हेलो दोस्तों, आपने गुफाओं के बारे में तो बहुत सुना होगा और देखी भी होगी, लेकिन एक ऐसी भी गुफा है जो समुंदर के बीच में है। सुन के अजीब लगा बट यह सच है। ग्रेट ब्लू होल नाम की यह गुफा मध्य अमेरिका के बेलीज देश में स्थित है। यह गुफा लाखों साल पुरानी है। इसका व्यास 318 मीटर और गहराई 125 मीटर है। इस गुफा का निर्माण तब हुआ था जब यह समुंदर के ऊपर दिखाई देती थी, लेकिन समुंदर के बढ़ते जल के कारण यह समुंदर में डूब गई। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा के अंदर और भी गुफाएं हैं। यह गुफाएं पूरी तरह से चूने से बनाई गई हैं। इस गुफा को दुनिया के सामने लाने का श्रेय फ्रांस के वैज्ञानिक जैक्स कॉस्ट्यू को जाता है। जैक्स कॉस्ट्यू 1971 में अपने जहाज से समुंदर की गहराई नापने निकले थे, तब इस गुफा के बारे में पता चला। साल 2012 में डिस्कवरी चैनल ने पृथ्वी की 10 सबसे अद्भुत जगहों में इसे नंबर 1 पर रखा है। यह जगह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में से एक बेलीज बैरियर रीफ सिस्टम का हिस्सा भी है। पूरी दुनिया के गोताखोर यहाँ इस गुफा के नीचे स्टेलेकटाइट फॉर्मेशन को देखने आते हैं। इस गुफा के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। इस जगह को देखने पूरी दुनिया के टूरिस्ट आते हैं। स्टोनहेंज के बारे में तो सुना होगा। इंग्लैंड में स्थित एक प्राचीन स्मारक है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को इकट्ठा करके बनाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हें 4500 से 3000 साल पहले इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग समय में बनाया गया था। स्टोनहेंज के पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचे हैं और थोड़े से जमीन में गड़े हुए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है इस स्मारक का उपयोग वेधशाला के रूप में किया जाता था, क्योंकि स्टोनहेंज की स्थिति ग्रीष्मकालीन संक्रांति 21 जून की स्थिति को प्रकट करती है। यदि उल्टा कर दिया जाए तो यह सर्दकालीन संक्रांति 23 दिसंबर की स्थिति को दर्शाता है। वैज्ञानिकों की कई टीमों ने मिलकर लगातार 4 साल तक स्टोनहेंज के आसपास की 3 एकड़ जमीन की खुदाई की, जिससे उन्हें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। खुदाई में 2500 से 5000 साल पहले के मानवों की कई हड्डियां मिली हैं, जिससे अनुमान लगाया गया है कि स्टोनहेंज के आसपास कोई कब्रिस्तान था। खुदाई में बर्तन, औजार और हथियारों समेत कई चीज़ें मिली, जिससे अनुमान लगाया गया कि लंबे समय तक यहाँ पूरी की पूरी सभ्यता बसी हुई थी। स्टोनहेंज से 4 किलोमीटर की दूरी पर खुदाई में मिले लगभग 90 बड़े बड़े पत्थरों ने सबको चौंका कर रख दिया। यह सभी पत्थर अंग्रेजी के सी जैसे आकार के थे, जिन्हें सुपरहेंज नाम दिया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें, आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे।